आज कमरे में तो कुछ भी नहीं किया, दवाइयाँ ढूंढ रही थी मैं अपनी, मेरी दवाइयाँ पता नहीं कहाँ रखी, क्योंकि इतने दिन से मैं बेड रिडन थी, आई कुड नॉट मूव अराउंड, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी चीज़ें कहाँ कहाँ जा रही हैं, इसलिए मैं वही ढूंढ रही थी। एंड मामी जी आई एंड उन्होंने बताया कि श्रवण को पता होगा, बिकॉज श्रवण इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, तो वही थोड़ा ऑकवर्डनेस था कि एम आई सपोज टू कॉल अप श्रवण, मैं उसे फ्रीली कॉल कर सकती हूँ कि नहीं। और जब बात होती है तब पता चलता है कि अभी भी श्रवण और मैं वैसे ही हैं जैसे थे एक्सीडेंट से पहले, तो इट्स काइंड ऑफ अ सेटबैक। बट हाँ, अभी मतलब वो है कि रिकवरी हो गई है, सो आई थिंक दिस वन गुड थिंग। मानसून आया है, तो मानसून आपके जीवन में क्या लाया है? मानसून मेरे जीवन में बहुत सारा पानी लाया है मुझसे। नहीं नहीं, आई स्ट्रांगली बिलीव जितने भी लोग हैं, आई थिंक जब इतनी गर्मी थी एवरीबडी वॉज लाइक वेन आर द रेन्स गोइंग टू कम, एंड अभी जब इतने दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, हर कोई यही कंप्लेन कर रहा है कि बारिश क्यों हो रही है, सो आई वुड से नो कंप्लेन्स एट ऑल, नो कंप्लेन्स। अब बारिश होते रहे दिन रात होते रहे, देयर आर नो कंप्लेन्स, बिकॉज आई थिंक सबको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आर इंटायर स्टेट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, सो भर भर के बारिश हो वो हमारे ऊपर है, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आर सेल्व एंड एवरीथिंग एल्स। अगर आप लेट हो रहे हैं, टाइम पर पहुंचना है, जो भी है वो आपको देखना है, बारिश तो होगी एंड होनी चाहिए। बारिश में ऐसी कोई मस्तियाँ की आपने? अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं किया, अभी तक तो हम अपने आप को बचा ही रहे हैं ताकि शूट के दौरान भीग ना जाएं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सुखाने वुखाने में, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जिस दिन भी छुट्टी मिले तो आई कैन गेट टू डू समथिंग। फैंस के लिए तो यही कहूँगी कि मौसम अच्छा है, आई थिंक हमारा शो भी बहुत प्यारा है, तो मौसम इन्जॉय करते करते शो देखते रहिए हमारा। थैंक यू सो मच।